हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। WWE ने पहले से भी इस एपिसोड के लिए कुछ मैचेस और सेगमेंट का ऐलान कर दिया था। अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या क्या देखने को मिला और ये एपिसोड कैसा गया। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत केविन ओवेंस के सेगमेंट से हुई। वो आके इस बात पर खुश होते हैं कि आज शेन मैकमैन स्मैकडाउन का हिस्सा नहीं है। अब वो शेन मैकमैन को समरस्लैम में अपने मैच के बारे में बताते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं कि आप मैच हारेंगे और कंपनी मैं नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि वो रिंग से बाहर जाते, तभी ड्रू मैकइंटायर ने आके उन्हें इंटरप्ट करा। ड्रू कहते हैं कि केविन ओवेंस काफी बात करते हैं और आज वो दोनों रिंग में लड़ेंगे। ये कहते ही ड्रू ने केविन ओवेंस पर अटैक कर दिया और अब हमें इन दोनों के बीच इस मैच भी दिखाई दिया। इसके बाद हमें केविन ओवेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और ड्रू मैकइंटायर काफी देर तक केविन ओवेंस पर पकड़ बनाए रहे। वहीं केविन ओवेंस ने भी कैनन बॉल लगाते हुए पलटवार करा। इसके बाद केविन ओवेंस ने शानदार फ्रॉग स्प्लैश भी लगाई। अब ड्रू मैकइंटायर ने भी फाइट बैक करा। दोनों ने एक दूसरे को पिन करने की भी काफी कोशिश करी, बट किक आउट हुए। दोनों ने एक दूसरे पर अपने काफी मूव लगाए, बट एंड में केविन ओवेंस ने ड्रू मैकइंटायर को टेबल पर स्टनर दिया और उसके बाद रिंग में लाके उन्हें फिर से स्टनर देके मैच जीत लिया। इसके बाद हमें बैक स्टेज डॉल्फ जिगलर का प्रोमो दिखा। डॉल्फ अपने पिछले हफ्ते की गलती पर काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने मिज को समर स्लैम के लिए चैलेंज कर दिया। इसके साथ साथ डॉल्फ जिगलर ने फिन बैलर को आज की रात होने वाले मैच के लिए वार्निंग भी दी और कहा कि मुझे हराना मुश्किल होगा। इसके बाद बैक स्टेज ही हमें एलिस्टर ब्लैक का प्रोमो दिखाई दिया। एलिस्टर ब्लैक कहते हैं कि वो अब इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनके साथ एक नई लड़ाई की शुरुआत करे। ब्लैक ने कहा कि मैंने अपनी पिछली लड़ाई लड़ ली है और अब वो अपने ही तरीके से इसे आगे बढ़ाना चाहेंगे। इसके बाद हमें बैली एम्बर मून वर्सेज अलेक्सा ब्लिस निक्की क्रॉस के बीच टैग टीम मैच दिखा। ब्लिस और बैली ने मैच की शुरुआत करी। शुरू में ही ब्लिस रिंग के बाहर चली गई, तभी एम्बर ने निक्की को मारा। ठीक ठाक मैच दिखा इनके बीच। वहीं एंड में जीत अलेक्सा ब्लिस और निक्की क्रॉस की हुई और मैच के बाद बैली ने एम्बर मून पर अटैक भी करा। इसके बाद हमें बैकस्टेज सैमी ज़ेन दिखाई दिए। सैमी ज़ेन ने एलिस्टर ब्लैक को समर स्लैम के लिए चैलेंज करा। अब दोनों का मैच समर स्लैम में हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें जेरी लॉयर का किंग्स कोर्ट सेगमेंट दिखा। ट्रिस स्ट्रैटस की एंट्री होती है और वो रिंग के दिनों को याद करती हैं। उन्होंने कैली कैली को फर्स्ट वुमेन 24/7 चैंपियन बनने पर काफी बधाइयां दी। जेरी लॉयर ने ट्रिस स्ट्रैटस से पूछा कि वो अब भी रिंग में लड़ना चाहती हैं। इससे पहले कि वो कुछ जवाब देती, तभी शार्लेट ने उन्हें आके इंटरप्ट करा और ये जानना चाहा कि आखिर क्यों वो समर स्लैम का हिस्सा नहीं है। इसी दौरान उन्होंने ट्रिस स्ट्रैटस को समर स्लैम के लिए मैच के लिए चैलेंज कर दिया। ट्रिस स्ट्रैटस की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर शार्लेट फ्लेयर ने हॉल ऑफ फेमर पर काफी ज्यादा बातों से अटैक करा। ट्रिस स्ट्रैटस ने शार्लेट का चैलेंज एंड द एंड एक्सेप्ट कर लिया और हमें इन दोनों के बीच अब समर स्लैम में मैच दिखाई देगा। इसके बाद हमें डॉल्फ जिगलर वर्सेस फिन बैलर के बीच मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और दोनों ने एक दूसरे पर अटैक करा। डॉल्फ जिगलर ने फिन बैलर पर स्वीट चिन म्यूजिक लगाने की कोशिश करी, बट बैलर ने खुद को उससे बचा लिया। तभी ब्रे वाइट का म्यूजिक हिट हुआ। बैलर भटके और डॉल्फ जिगलर ने फायदा उठाते हुए स्वीट चिन म्यूजिक देके मैच जीत लिया। इसके बाद हमें नाकामुरा वर्सेस अली के बीच मैच दिखा। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ। अली ने जबरदस्त एक्शन मूव इस मैच में दिखाए। वहीं नाका ने भी शानदार पलटवार करते हुए किनशाशा अली को दी, बट उन्हें पिन नहीं कर पाए। एंड में अली ने नाका को पिन करके जीत दर्ज करी। इसके बाद हमें कॉफी किंगस्टन वर्सेज एजे स्टाइल्स के बीच मैच दिखा। एजे स्टाइल्स ने मैच शुरू होते ही कॉफी किंगस्टन पर अटैक शुरू करा। वहीं कॉफी किंगस्टन ने भी एजे स्टाइल्स पर मूव लगाने शुरू कर दिए। दोनों एक दूसरे को अपने मूव से हराने की कोशिश में दिखाई दिए। वहीं ओसी ने भी इस मैच में दखल दिया, जिसको रिंग साइड न्यूडे ने संभाला। तभी कॉफी किंगस्टन ने रिंग के बाहर ओसी पर डाइव लगाई और उन्हें ढेर कर दिया और रिंग में आके कॉफी किंगस्टन ने एजे स्टाइल्स को मूव देके ये मैच जीत लिया। इसके बाद हमें बैक स्टेज रोमन रेंस दिखाई दिए। वो समर स्लैम के लिए अपने अपोनेंट का नाम बताने के लिए आ रहे थे, बट तभी बैक स्टेज उन पर कुछ स्टैंड और सामान आके गिरे। हालांकि वो उससे बच गए, बट उन्हें समझ नहीं आया कि ये किसने करा। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हुआ। वहीं इस एपिसोड में कुछ मैचेस समर स्लैम के लिए सामने आ चुके हैं। वहीं रोमन रेंस के अपोनेंट का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। वैसे कैसा लगा आपको एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है रोमन रेंस के साथ ऐसा किसने करा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।